हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गिवन द फोर लाइंस विद द इक्वेशंस एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, फोर एक्स प्लस फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ऑप्शन ए है दे आर ऑल कॉन्करेंट, ऑप्शन बी है दे आर द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑप्शन सी है ओनली थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट, डी ऑप्शन ने रखा नन ऑफ दी एलो। अब इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन होती है, जैसे कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इक्वेशन मान ली हमने ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी हैं उनसे अगर वैल्यू रखने पर आपको जीरो आ रहा था तो वो क्या हो जाएंगे आपकी कॉन्क्यूरेंट केस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्क्यूरेंट का जो केस होगा वो क्या होगा, जो सारे पॉइंट एक ही लाइन एक ही पॉइंट से आपके जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन की आपकी एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वेशन दे रखी है, एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये आपकी मान ली मैंने एल वन लाइन है, और है आपका यहाँ पे थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। ये आपकी एल टू लाइन है, और यहाँ दे रखा है आपका टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ये आपकी एल थ्री लाइन है, और ये है आपका यहाँ पे फोर एक्स प्लस फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये आपकी एल फोर लाइन है। ठीक है, अब देखो हम इनमें से कोई भी दो लाइन चूज करते हैं, वहां से मैक्स एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं कर रहा हूँ एल थ्री और एल फोर को चूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, तो ये क्या मिलेगा, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे आपका फोर एक्स प्लस फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो है। तो मैं फोर को इसमें टू का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टू का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, फोर एक्स प्लस टू थ्री जा सिक्स वाई, टू फोर दा एट इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ये माइनस माइनस और ये आपका प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फाइव में सिक्स जाएगा तो माइनस ऑफ वाई बचेगा, और यहाँ पे आपका प्लस ऑफ टू बचेगा इक्वल टू जीरो। यानी कि वाई की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या मिल गई, आपको टू मिल गई। इतना समझ में आ गया, वाई की टू मिल गई, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू आपको माइनस का वन मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, यानी कि हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ गई एक्स और वाई की, वो क्या आ गई, माइनस वन कॉमा टू निकल के आ गई। ठीक है, अब हम जो माइनस वन कॉमा टू आई है हम एल वन में पुट करके देखते हैं, तो क्या मिलता है आपको, माइनस वन प्लस टू इंटू टू माइनस थ्री। अगर जीरो आ रहा है, बिल्कुल जीरो आ रहा है, यानी कि ये कॉन्करेंट के केस में आ रहा है फर्स्ट। और अगर हमारे पास दूसरी क्वेश्चन में पुट करते हैं तो थ्री इंटू क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस फोर इंटू टू माइनस सेवन, जीरो नहीं आ रहा है तो ये वाला केस नहीं लेंगे हम। और यहाँ पे पुट करने पर थ्री इंटू माइनस वन और प्लस का हो जाएगा थ्री इंटू टू माइनस फोर, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स में से फोर जाएगा, ये आ रहा है जीरो, इसको सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। अब यहाँ पे करता हूँ मैं फोर इंटू, ये तो सेटिस्फाई करेंगी करेंगी क्योंकि हमने वैल्यू इनसे ही निकाली है। ठीक है, फाइव टू माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये भी सेटिस्फाई करेगी। यानी कि हमारे जो माइनस वन कॉमा टू है इसके जो तीन लाइनें हैं वो एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, जैसे कि एक ये यहाँ से, एक ये यहाँ से, और एक हमने ये यहाँ से, बाकी जो एक लाइन है वो ऐसे कहीं से भी जा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है आपका, माइनस वन कॉमा टू। यानी कि हम बोल सकते हैं आपके जो थ्री लाइन्स हैं, यानी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ओनली थ्री लाइन्स क्या है, आर कॉन्क्यूरेंट, क्योंकि वहीं से आपका जो मीट हो रहा है थ्री लाइंस, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो थ्री सेटिस्फाई हो रही है एक्स और वाई की वैल्यू से, एक सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो कॉन्करेंट केस में नहीं आएगी। तो हमारा ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी है आपका। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।